व्हाट्सअप गाइस, तो यार मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश। आज हम लोग मेरे बैटल लॉग के सारे अटैक्स देखेंगे, कितनी बार मैं हारा कितनी बार मैं जीता। वैसे मेरी टोटल ट्रॉफीज की बात की जाए तो है 760। मैं टाउन हॉल लेवल 8 का प्लेयर हूँ। मैं 2 साल से खेल रहा हूँ, मेरा टाउन हॉल लेवल 8 है। वैसे तो मैं सारे डिफेंसिव में ध्यान नहीं देता बढ़ाने में, लेकिन टाउन हॉल पे हाँ ध्यान दिया जाता है, और बैरक्स पे भी, जिससे नई नई आर्मी खुले। मेरा यहाँ पे टॉप बैरक्स लेवल 3 है और लेवल 10 बैरक्स है जो पैका और वेलकारी खोलता है। अब बस मेरे को गोलम खले बढ़ाना। और ये मेरे 2 अटैक्स थे जिसमें से मैं इतने सारे हार चुका हूँ। तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कहाँ से मेरा रीप्ले है। ये देखिए, आपको 2x स्पीड में दिखाता हूँ। ओ देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। वैसे तो 2x स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए मैं आपको 1/2 स्पीड में या फिर 2:1 स्पीड में दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये प्लेयर कैसे मेरे बेस पे फुल % डैमेज करने वाला है। वैसे तो मेरे पास भी ड्रैगन्स है, लेकिन मैं उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए कैसे मेरा बेस फोड़ने पे उतावले हो गए ये ड्रैगन्स। पर ये मेरा बेस फोड़ भी पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। 4% डैमेज शायद हो, मैं आपको 4% पे करके दिखाता हूँ जिससे आगे का दिख जाए। ये देखिए दोस्तों, ये 4% था। कौश भाई साहब, इसने तो इतना डैमेज कर लिया दोस्तों हमारे बेस पे, इतना ताकतवर था ना ये। ये देखिए, अभी मेरा दूसरा अटैक था मेरे बेस पे जो सक्सेसफुल हुआ। उसने सिर्फ लेवल 11 का किंग ही यूज़ किया था, जबकि उसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी। देखिए, इसने तो बारबेरियन किंग से 1% डैमेज भी नहीं किया, और हमारी 19 ट्रॉफी इसी से आ गई हमारे पास। ऐसे ही प्लेयर्स बहुत वैसे होते ख़राब, इनको हमेशा क्लैन में नहीं लिया जाता क्योंकि प्लेयर्स अपनी सारी आर्मी भेजते नहीं, और ट्रॉफीज ना होने की वजह से क्लैन की पॉइंट्स नहीं बढ़ते। तो देखिए मेरा दूसरा अटैक है, मेरा ये जो आदमी है वो सिर्फ एयर डिफेंस फोड़ने पे ही ध्यान लगा रहा है। और यहाँ ये मेरा अटैक शायद हो जाएगा अनसक्सेसफुल क्योंकि मेरे सारे एयर डिफेंस आउट हो चुके हैं। अब मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको फुल उसमें करके दिखा रहा हूँ, फुल स्पीड में। ये देखिए, इतनी तेज़ी से अटैक चल रहा है, सारे ट्रूप्स मेरा बेस फोड़ के ही रहेंगे। मुझे लगता है हम नहीं जीतेंगे। देख रहे हैं ये बलून वगैरह सबको फोड़ रहे हैं। स्केलेटन सबसे काम की चीज़ होते हैं। ये देखिए, सब तो ये स्केलेटन से फोड़ देंगे। देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें स्केलेटन से फोड़ सकते थे लेकिन टाइम लैग हो गया। तो अभी मेरा तीसरा अटैक है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा दोबारा अनसक्सेसफुल हुआ था। वैसे तो मुझे अपने बेस पे बहुत प्राउड है, लेकिन हमेशा वो फेल हो जाता है, इसलिए आज मैंने सोचा आपके साथ अपना बैटल लॉग शेयर कर दूँ। देखिए दोस्तों, अभी ये भी तो अनसक्सेसफुल अटैक ही है, इसलिए मैं आपको फुल स्पीड में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भाई ड्रैगन्स प्रो होते हैं एयर ट्रूप्स में, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स में प्रो पैक्का होता है। देखिए बारबेरियन किंग भी एकदम अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक मेरे बेस को हैंडल नहीं कर सकता। देखिए फोर गया बैट ये। ओ भाई, इसका एक रिफोर्मेंस में लेवल 3 का ड्रैगन था, ये बहुत बड़ी चीटिंग थी। फिर भी दोस्तों जाने दीजिए, दूसरे लोग तो चीटिंग करते ही है पर हम नहीं चीटिंग करते। ये देखिए 99, सिर्फ 1% कम रह गया था। तो दोस्तों, मैं आपको अपना फोर्थ दिखाने वाला हूँ।
जो मेरा वो भी अनसक्सेसफुल हुआ था। कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। ये तो अनसक्सेसफुल ही है ना, इसलिए मैं 4x स्पीड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वैसे तो ये ट्रूप्स उसकी ज़्यादा लेवल के नहीं थे, इसने अपने बारबेरियन किंग पे ध्यान दिया था, लेकिन फिर भी इसने हमारा बेस फोड़ लिया। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे फोड़ा हमारा बेस। ओ भाई, ये तो बहुत प्रो काम कर रहा है ये, और हमारा किंग लेवल 10 है, इसलिए ये जीत नहीं सकता। ओ, ये फुल तो नहीं होगा, ये फुल तो नहीं होगा दोस्तों, फुल तो नहीं होगा। 77% 1 स्टार के साथ, इसलिए इसे वो भी मिल गया। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ अटैक। फिफ्थ था हमारे बेस पे ये क्वीन वाला, जो हो गया था हमारा खंड, जो हमारा जीत गए थे हम जिस अटैक में। देखा जाए कैसे जीते थे। तो हमारी बारबेरियन किंग तो लेवल 5 का है, और ये क्वीन को संभाल लेगा अच्छे से, लेकिन यहाँ जो बारबेरियन किंग लेवल 11 का है, बिना किसी पार पोर्शन के या बिना किसी हीरो पोर्शन के, देखिए इतना प्रो काम कर रहा है, और ये क्वीन आ गई है बारबेरियन किंग के टारगेट में। तो ये हमारा बारबेरियन किंग तो इसकी थंडर स्पेल से चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा बॉम्ब टार इस क्वीन को बताएगा। ये तो गई इसकी क्वीन, और किंग भी यहाँ से अच्छा काम कर रहा है। तो मैं आपको 2x स्पीड में दिखाता हूँ। ये देखिए, किंग ज़्यादा देर तो नहीं टिक सकता, देखिए टाइम लैग हो गया इसका। अब मैं आपको अपना 6th अटैक दिखाने जा रहा हूँ, जो है मेरा ये वाला, और जिसमें मैं जीत गया हूँ, और ये मेरा लास्ट अटैक था दोस्तों। तो ये मैं हार चुका हूँ, इसलिए मैं आपको 4x स्पीड यानी फुल स्पीड पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसने हॉग रश अटैक किया एकदम, जिसमें हीलिंग स्पेल और एज स्पेल हॉग के लिए बहुत अच्छी होती है। हॉग इनके साथ तो एकदम प्रो अटैक करते हैं। देखिए कितने मस्त अटैक चल रहा है इसका। देखिए, हीलर तो नहीं जीत पाएगी ज़्यादा देर तक। ओ, देख रहे हैं आप, इसने अभी तक एबिलिटी यूज़ नहीं की थी, अब सही टाइम पे इसने यूज़ कर लिया। देखिए, और ये एयर डिफेंस को फोड़ते हुए हमारा फुल हो गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, बस आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ही मेरे को अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक यू मेरे दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।